आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, अंतिम सफर पर निकल चुका है मुख्तार अंसारी और जनाजे में भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो मुख्तार के चाहने वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो इस वक्त जनाजे में मौजूद हैं। और आप देखिए किस तरीके से हर कोई चाहता है मुख्तार अंसारी की आखिरी झलक पाना, और इस संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं। आपने देखा जनाजे की नमाज के साथ ही कब्रिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं वो दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। वीरेश पांडे इस वक्त तस्वीरों में हमें दिख रहे हैं। वीरेश, क्या चल रहा है मौके पर? कुछ देर पहले हमने देखा था उमर अंसारी लोगों से जो था बात कर रहे थे, भीड़ ना इकट्ठा होने की जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील कर रहे थे। क्या अभी फिलहाल मौके पर चल रहा है? देखिए, अफजाल अंसारी हों चाहे मन्नू अंसारी हों, एक सांसद, एक विधायक, इन लोगों ने अपने लोगों से कहा था कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा न की जाए और ज़्यादा लोग मैयत में ना आए। लेकिन मुख्तार अंसारी के चाहने वाले, मानने वाले कहाँ हैं? रमज़ान के इस पाक महीने में भूखे प्यासे अब जो मुख्तार के चाहने वाले हैं वो दूर दराज इलाके से आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। मुख्तार अंसारी का दबदबा, मुख्तार अंसारी माफिया थे तो मुख्तार अंसारी मसीहा भी थे। मुख्तार अंसारी ने लोगों के लिए काम भी किया है, लोगों के दुख में चला भी है। 2005 से मुख्तार अंसारी कभी इस धरती पर आए नहीं, क्योंकि 2005 से वो जेल में हैं। जेल में 2005 से गाजीपुर की, अपने इस मोहम्मदाबाद की धरती पर न आने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी के आखिरी जनाजे में मैयत में हजारों की संख्या में इकट्ठा ये लोग, इस बात को साबित करते हैं कि मुख्तार अंसारी का अपने लोगों से क्या कनेक्ट रहा है, क्या दिली रिश्ता रहा है। क्योंकि ये सारे लोग किसी बुलावे पर नहीं, रोकने के बावजूद यहाँ पहुँचे हैं हजारों की संख्या में, और रमज़ान के पाक महीने में भूखे प्यासे इस गर्मी के हालात में जब पुलिस वाले मुझे मिले तो कहे भैया पस्त हो गया हूं। तो जब वो पस्त हो गए खाने पीने के प्यासे महीने में, जिस तरीके से जो माथे पर पसीना छलछलाया हुआ है, जद्दोजहद करते हुए पुलिस से यहां पहुंचे हैं मुख्तार अंसारी को एक नजर देखने के लिए यहां पर मौजूद हजारों की संख्या में लोग, यह साबित करता है कि इस परिवार का इस इलाके में क्या रसूख है, क्या लोगों से संबंध है, क्या दिली और आत्मीय संबंध है। और ये दिली और आत्मीय संबंध ही है जो आज मैयत में देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, क्या कर्म है, ये आपके मरने के बाद ही पता चलता है। जब आप मरेंगे तो आपके साथ कितने लोग कांधा देंगे, कितने लोग आपकी मैयत में शामिल होंगे, कितने लोग आपके जनाजे शामिल होंगे, ये आपके करनी का फल मिलेगा। उस वक्त पता चलेगा कि आपने क्या किया है लोगों के लिए। अपनों के लिए बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब लोगों के लिए लोग करते हैं तो मैयत में ऐसे ही लोग इकट्ठा होते हैं, बिना बुलाए इकट्ठा होते हैं। मुख्तार अंसारी का जो रसूख है, कहा जाता है कि माफिया हैं। अपराध की कोई ऐसी धारा नहीं जो मुख्तार पर चस्पा न हो, अपराध की कोई ऐसी धारा न हो जो उनकी उम्र से ज़्यादा न हो, लेकिन मुख्तार अंसारी का जो दूसरा पक्ष है, उनके परिवार का जो दूसरा पक्ष है, गरीबों की लड़कियों की शादी, किसी का तेरही, किसी का इलाज, किसी का दवा, ये भी एक पक्ष है। पक्ष नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी के इस युग में भी जीरो सीट है गाजीपुर में, आजमगढ़ में जीरो तो गाजीपुर में भी जीरो। और अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं, जो उनके भाई हैं, और उनका सगा भतीजा मन्नू अंसारी इसी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद से विधायक है और बेटा मऊ से विधायक है। तो ये समाज का कनेक्ट है इस परिवार का, और ये एक ऐतिहासिक परिवार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इनके खानदान में, गुलाम भारत में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू से पहले, यानी ये वो खानदान है, और ये स्वतंत्रता सेनानियों का भी खानदान है, और ये उपराष्ट्रपति अब हामिद अंसारी का भी खानदान है। तो एक स्वर्णिम इतिहास इस खानदान का रहा है, और आज़ादी से पहले का भी इतिहास रहा है। और ये की कब्रगाह है, कब्र है जो उनके वालिद हों, उनकी माँ हों, वहीं दफन है, इसी कब्र में दफन है, उन्हीं के बगल में उनका बेटा मुख्तार आज दफनाया। ऐसे में जिस तरीके से यहाँ हुजूम
भीड़ इकट्ठा है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस भीड़ में कोई गाजीपुर मोहम्मदाबाद के लोग नहीं, बल्कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, अन्य इलाकों से आए हुए लोग भी हैं जो हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। मैं बाहर देख रहा था, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर गाड़ियों को रोक दिया गया है। वो गाड़ियाँ कोई उड़ीसा की है, कोई पश्चिम बंगाल की है, कोई हरियाणा नंबर की गाड़ी है, कोई पंजाब नंबर की गाड़ी है, कोई दिल्ली की गाड़ी है, तो कोई यूपी के अन्य भाग। जी ठीक है वरेश, आपके पास लौटूंगी, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। एक बार मनोज का रुख कर लेती हूँ। मनोज, क्या चल रहा है फिलहाल मौके पर? क्या कब्रिस्तान के अंदर जो जनाजा है वो पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, देखिए पहुंच चुका है और कब्रिस्तान के बाहर की ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी जो भीड़ है वो इस वक्त कब्रिस्तान के बाहर मौजूद है। और एक बार मुख्तार अंसारी को जो है लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो देखना चाहते हैं। तस्वीरें आप देखिए, पूरी सड़क पर आपको सिर्फ यहाँ पर भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग नजर आएंगे। छतों पर लोग खड़े हुए हैं, पेड़ों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। आप ये देखिए सामने, जो आपको कब्रिस्तान के बाहर एक पेड़ नजर आएगा, वहाँ पर आपको लोग नजर आएंगे जो पेड़ों के ऊपर चढ़ गए हैं, वो एक आखिरी झलक पाने के लिए मुख्तार अंसारी की। लेकिन प्रशासन ने पहले ही ये साफ किया था कि कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ परिवार के लोगों की ही एंट्री होगी। अब यही वजह है कि जो बाकी जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, बाहर वो खड़े हुए हैं और भीड़ लगातार यहाँ पर जमी हुई है, डटी हुई है। छतों के ऊपर आपको देखिए लोग नजर आएंगे, आप ये देखिए यहाँ पर आपको छतों के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कब्रिस्तान के अंदर कोई झलक मुख्तार अंसारी किसी तरीके से यहाँ पर मिल जाए। कहाँ से हैं आप?